हेलो, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आटा कैसे गूंथते हैं। ओके, मैंने गेहूं का आटा हाफ के जी लिया है। इसे थोड़े थोड़े पानी डालकर मिलाना है। आप इसे अच्छे से मिलाएंगे क्योंकि कहीं ये गुठली टाइप के भी बन जाते हैं, तो इसे चारों तरफ से मिलाना है। थोड़े थोड़े पानी डालते जाए अगर आपके आटे ज़्यादा हैं। मैंने थोड़े से आटे मिलाकर साइड कर लिया है क्योंकि आटे ज़्यादा हैं थोड़े। आप भी एक साथ नहीं मिला सको तो थोड़े से आटे को साइड कर सकते हो, मिलाकर फिर एक साथ कर लेना। मेरे आटे मिल चुके हैं, अब इसे गूंथना है पूरा, कहीं भी गुठलियाँ टाइप की बनी ना रह जाए। इसे पानी और मैंने डाला थोड़े से, गीले नहीं बनाना है आपके, अगर पानी लगे तब देना। मिला रही हूँ इसे पूरे, वो पानी जो मैंने डाला था उसे पूरा ड्राई कर लिया मिला के। मेरे डफ रेडी हो चुके हैं, मैंने आटा पूरा गूंथ चुका। सॉफ्ट हो गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। चलिए, मैंने लोई छोटी छोटी गोली की बना, इस आटे को सर्कल टाइप का हल्के हाथ से गोल बनाना है। ऐसे बेलना है, आप ज़्यादा पतला नहीं भी बेल सको तो ठीक है, लेकिन रोटी को अच्छे से सेकना है। रोटी कच्चे नहीं रहना चाहिए, गोल होना रोटी ज़रूरी नहीं है, बस कच्चा नहीं रहना चाहिए। आप इसे आटा मिला मिला कर बेलोगे, अगर खाली बेलोगे तो नहीं ये बेल मतलब बेलाने वाला है। इसे थोड़े से आटे में मिला मिला कर बेला जाता है। अब मैं इसे तावे पर डाली, तावे मैंने गरम कर रखा था मीडियम आंच पर। एक बार इसे पलट देना है रोटी को, फिर चारों तरफ से घुमा घुमा कर सेकना है ताकि कहीं कच्चे नहीं रह जाएं। मैंने मीडियम आंच पर बनाया है, इसे घुमा घुमा कर सेकना है। अगर आप फुल आंच में बनाओगे तो कहीं कच्चे रह जाएंगे कहीं, इसीलिए मीडियम आंच पर घुमा घुमा कर सेकना है। चलिए, इसे आप रोटी को फुला रही हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे रोटी अच्छे से फूले हैं। मैंने तो अपना रोटी बना लिया, अब आप भी बना के कमेंट में मुझे बताएं कैसे बनी।